प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नसीराबाद डिवीज़न की जानिब से प्राइवेट स्कूल मालिका ने यकुम जून से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया, जबकि हुकूमत की जानिब से 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रखने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। डेरा मुराद जमाली में आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम अबड़ो की क़यादत में हुकूमती ऐलान के खिलाफ एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल मालिकान का कहना था कि हुकूमत हमें SOPs दे, हम उन पर अमल करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से मार्केटों को SOPs के तहत खोल दिया है, तो फिर स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे? 2 माह से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। इदारे बंद होने के बायस कई असातिज़ा बेरोज़गार हो चुके हैं और दुनिया के कई ममालिक में तालीमी इदारे यकुम जून से खोलने के ऐलानात हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतारबा करते हुए कहा है कि SOPs पर अमल दरामद कराते हुए प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी जाए। यकुम जून से हम स्कूल खोल कर तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर देंगे। एहतजाजी रैली और अहम इजलास में डिवीज़न भर से प्राइवेट स्कूल मालिकान और असातिज़ा ने शिरकत की।